तो ये है मेरा ट्रेलर जो कि मेरी बाइक को लेके आया है। और गाइज अभी ये रेड कलर में ही लॉन्च हुई थी, तो मैंने सबसे पहले इसी में मंगा ली। मेरे सामने स्किट मत मारो भैया, ये देख रहे हो इसमें पूरा मीटर वीटर चल रहा सही है ना। हे गाइज वेलकम टू आरजी गेमर। तो गाइज कैसे हो आप सब? तो गाइज आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि गाइज मैंने एक बाइक ख़रीद ली है न्यू, और जो कि बहुत न्यू है और वो अभी ही रिलीज़ हुई है, मतलब कि अभी ही वो लॉन्च हुई है। तो गाइज उस बाइक की जो कंपनी है वो है होंडा, होंडा की बाइक है। और गाइज जो मॉडल है वो है CBR 1000 RR, जो कि गाइज 2020 का मॉडल है। और गाइज बहुत ही मस्त लुक है गाइज, बहुत ही महंगी पड़ी मेरे को, लेकिन फ़िलहाल मेरे को गाइज कम से कम वो 25 लाख रुपीज़ की पड़ गई, सब कुछ लेके उसका इंश्योरेंस सब कुछ ऑन रोड करके। तो गाइज मैंने उसमें बहुत सारी एसेसरीज भी ऐड की है, तो मैं आपको वो सब दिखाने वाला हूँ। तो गाइज फ़िलहाल वो जो बाइक है वो मेरे घर पर आ चुकी है। तो गाइज मेरे घर से ही फ़ोन आया था कि भाई फ्रैंकलिन तुम्हारा ट्रेलर आ चुका है, जो तुम्हारी CBR जो 1000 है वो वाली बाइक लेके आ चुका है। तो गाइज बस मैं जा रहा हूँ फटाफट, और मैं उसको फटाफट वहाँ से अनलोड करूँगा और फिर आपके सामने रखूँगा। तो गाइज बहुत ही मस्त है यार, मैं जाके देखता हूँ गाइज, क्योंकि वो आपको पता भी कि बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के पास है वो वाली बाइक। तो ऐसे में तो मेरे को वो चाहिए ही थी, क्योंकि वो गाइज बहुत ही यूनिक यूनिक बाइक है और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए थी गाइज, तो वो आखिरकार मैंने ले ली है। तो गाइज फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारी कि मतलब कैसे कैसे मैंने वो बाइक ख़रीदी है। और गाइज मुझे नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि उस बाइक के साथ मुझे क्या क्या करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, किस टाइप की वीडियो लाऊं। ओके गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इससे भी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो गाइज फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि गाइज मेरा ट्रेलर आ चुका है और मुझे बस ट्रेलर से बाइक को फटाफट उतारना है, और फिर गाइज हम थोड़ा सा घूमेंगे उसके साथ और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है कि क्या मस्त बाइक होने वाली है वो CBR और 1000, वो भी 2020 मॉडल है गाइज। और गाइज वो बहुत ही कॉस्टली बाइक है यार, उसमें ना बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत महंगी महंगी है, तो इसलिए वो इतनी महंगी है बाइक। गाइज बहुत मस्त बाइक है। तो बस मैं अपने घर बस पहुँचने वाला हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो बाइक। गाइज बहुत मस्त बाइक है भाई, बहुत मस्त। तो बस हमें यहाँ से मुड़ना है। यस ओ, तो बस हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। भट जाओ भाई, CBR के बाद जाते हैं। होंडा ने भाई क्या बाइक निकाली है, लेकिन एक बात तो है होंडा भाई काम करती, लेकिन थोड़ा लेट करती, लेकिन करती जरूर है, पूरी मस्त बाइक निकाली भाई। तो गाइज यहाँ पे आपको पता है कि ये ऐसे सर जो रोड है वो मेरे घर के पास ही होते हैं, तो मेरा घर आ चुका है, बस यहाँ से हमें मुड़ना है। यस ओहो कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ी सी रोड छोटे यहाँ पे तो। यस ओ, तो गाइज बस यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाना है, फिर हमारा घर आ जाएगा और ट्रेलर भी मेरे घर पे ही खड़ा है, तो बस मुझे बाइक उतारनी है। तो गाइज वो रहा मेरा ट्रेलर जो कि बाइक लेके आया हुआ है, वो देखो है ना। तो ये मेरा घर है, ये मेरी कार बाइक खड़ी है, तो ये मेरा ट्रेलर है जो कि यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं अपनी कार को कहाँ खड़ी करूँ, यहाँ तो स्पेस है नहीं बिल्कुल भी। तो भाई मैं ऐसा करता हूँ अपनी कार को खड़ी कर देता हूँ थोड़ा पीछे करके। 1 मिनट गाइज 1 मिनट। ओह पीछे भी एक कार है। अरे मैडम जी चले जाओ, ठोक दी भाई मैडम ने, ठोक दी भाई मैडम ने, ठोक दी। मैं अपनी कार को यहीं लगा देता हूँ है ना, फिलहाल के लिए सही है। तो मैं अपनी कार से बाहर निकलता हूँ फटाफट। तो गाइज इस कार को यहाँ छोड़ो, मैं चलता हूँ अपने CBR 1000 RR के पास, जो कि मेरी एक फेवरेट बाइक थी और आखिरकार वो मेरे पास आई गई। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, तो ये है मेरा ट्रेलर जो कि मेरी बाइक को लेके आया है। और गाइज वो रहा एक बाइक, मतलब देखो गाइज इतने बड़े ट्रेलर के अंदर सिर्फ एक ही बाइक है, वो भी मेरी है ना, और वो CBR 1000 गाइज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो कि बहुत ही न्यू है और ये बहुत ही रेयर है फिलहाल, क्योंकि गाइज ये अभी लॉन्च हुई है और ये सबके पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो गाइज ड्राइवर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक मेरे ख्याल से वो कहीं आसपास गया होगा। तो कोई नहीं, इसको मैं ही निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ट्रेलर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको अपनी बाइक। तो गाइज ये देखो,
पास ले जाता हूँ एक बार थोड़ा सा। ओ भाई साहब गाइज ये देखो कितनी मस्त है ना। ओ भाई गाइज आखिरकार मेरी फेवरेट बाइक मेरे पास आ चुकी है। तो गाइज आपको बाइक कैसी लगी? अगर आपको बाइक अच्छी लगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना गाइज। तो हम चलते हैं फटाफट और इस बाइक को उतारते हैं नीचे ट्रेलर से, ठीक है? तो भाई साहब मैं अब जा रहा हूँ ट्रेलर खोलने, ठीक है भाई? तो सबसे पहले मैं खोलूँगा ट्रेलर, तो मेरे को ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो गाइज सबसे पहले ट्रेलर खोलते हैं। ओके गाइज तो हम ट्रेलर खोलते हैं 1 मिनट। तो गाइज यस इसका पहले वाला खुल गया गेट, और अब हम चलते हैं अंदर अपनी बाइक के पास। ओ भाई साहब आराम से फ्रैंकलिन भाई आराम से, आखिरकार तेरे पास ही आ गई है बाइक। बहुत ही मुश्किल से गाइज तो ये मैंने खरीद ली आखिर, बहुत ही मुश्किल से गाइज। और गाइज मेरे को ये 25 लाख की मिली मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है। ओ भाई साहब गाइज कितनी मस्त लग रही है यार। तो मैं इसको पहले बाहर निकालता हूँ, फिर मैं आपको इसका दिखाऊंगा सब कुछ। तो सबसे पहले मैं इसको बैठ जाता हूँ इसके अंदर, इसके ऊपर, और मैं बैठ चुका अपने CBR के, और हेलमेट मैंने पहन लिया। और अब आराम से इसको निकालते हैं बाहर की ओर, है ना? वरना कोई रिस्क नहीं उठाते, वरना कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाइज ये भी न्यू बाइक है। तो गाइज पीछे लो आराम से भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बाइक निकालने दो। ओ भाई साहब आराम से भाई आराम से, फ्रैंकलिन भाई आराम से, क्योंकि तू जितना इम्पोर्टेंट है अभी बाइक भी उतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइज ये बहुत न्यू बाइक है, अभी लॉन्च हुई है। ओ भाई साहब यस। तो गाइज ये मैंने उतार ली यहाँ पे बाहर, अब मैं यहाँ से उतरू बाइक से, और ट्रेलर को तो फिलहाल छोड़ो यहीं पे। और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक का क्लोज व्यू। तो गाइज देखते हैं बाइक का क्लोज व्यू। ओ भाई साहब तो सबसे पहले क्लोज व्यू दिखाने के लिए मैं आपको ये करता हूँ गाइज, ये देखो। ओ भाई क्या मस्त लग रही है बाइक यार। गाइज यार मेरी फेवरेट बाइक। तो गाइज मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट व्यू। ओ भाई साहब तो गाइज ये इसका फ्रंट व्यू देखो, आगे होंडा की ब्रांडिंग भी है, मस्त लग रही है गाइज, बहुत अच्छी। ओ भाई साहब ओ भाई कितनी मस्त लग रही है बाइक। तो गाइज ये है इसका साइड लुक, और CBR भी लिखा है इस पे, और इसकी टंकी पे भी एक स्टिकर, मतलब बहुत अच्छी बाइक है गाइज। इसकी जो टंकी है ना बहुत ही प्रीमियम टंकी, मतलब बहुत ही क्वालिटी वाली है। और गाइज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ इसका पीछे का लुक। तो पीछे का लुक तो भाई खतरनाक सा, आप देखो कितना खतरनाक सा लग रहा है। एग्जॉस्ट भी गाइज कितना डेंजरस है। तो गाइज मेरे को अभी इसको इसमें ना बहुत सारी मॉडिफाई करवानी है। पीछे मेरे को अपने RG Gamer चैनल का नाम भी लिखवाना है, जो ये मेन्यू लिखा हुआ है, तो मुझे ये सारा चेंज करना है ना? तो गाइज ये देखो, ये है एग्जॉस्ट वाले साइड वाला लुक, और गाइज क्या मस्त लग रहा है ना। और गाइज क्या इसकी क्लासिक, मतलब देखो क्या कलर कॉम्बिनेशन है रेड कलर में, तो ये बहुत मस्त लग रही है। और गाइज अभी ये रेड कलर में ही लॉन्च हुई थी, तो मैंने सबसे पहले इसी में मंगा ली। और गाइज बहुत ही मस्त, तो गाइज नीचे होंडा की ब्रांडिंग भी लग रही है, बहुत ही मस्त बाइक है। तो गाइज मैंने आपको इसका क्लोज व्यू दिखा दिया बहुत अच्छे से। तो गाइज अब हम थोड़ी सी राइड करने वाले हैं इस बाइक के ऊपर बैठकर। तो गाइज मैं आपको बता दूँ एक बात कि ये वाली जो बाइक है वो मार्केट में सिंगल सीट वाली भी अवेलेबल है, और ये ना जो 2 सीट वाली भी अवेलेबल है। तो गाइज पहले आपको जब भी लेने जाओगे ना तो आपको सिंगल सीट ही मिलेगी, लेकिन आपको 2 सीट के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने ये एक्स्ट्रा पे कर रखा है, लेकिन मैं चाहूँ तो अपनी सिंगल सीट इसको कभी भी कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 सीट वाली ही ली है। तो गाइज थोड़ा सा इसके ऊपर बैठ के करते हैं राइड, देखते हैं कि बाइक में क्या मतलब मज़ा आता है या नहीं आता है। तो गाइज इतनी महंगी बाइक है तो मज़ा तो आना है ही। तो गाइज हेलमेट सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैंने हेलमेट लगा लिया है। ओ भाई साहब क्या लुक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं, तो ये ट्रेलर भी यहाँ से अपने आप कभी भी निकल जाएगा, ड्राइवर आएगा तो अपने आप निकाल लेगा। ओ भाई साहब चलते हैं इसको लेके बाहर। ओ भाई साहब गाइज क्या पिकअप पकड़ रही है यार। ओ भाई साहब मस्त लग रही है बाइक। ओ मेरे सामने स्किट मत मारो भैया, तुम जो पूरा कार घुमा रहे हो ना ये मत घुमाओ। तो फिलहाल मेरे को जान दो यहाँ पे आराम से। ओ भाई साहब तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी और मेरी बाइक ये अच्छी लगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। और मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलता रहूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज कैसी लग रही है आपको वीडियो? भाई साहब क्या लुक है यार। भाई गाइज मस्त मस्त बाइक यार, कुछ भी कहो। ओहो क्या स्किड मारी है ना।
ये यो ओ भाई साहब, ये पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा हैं GTA 5 के अंदर। अच्छा है पेड़ पौधे रहो तो। ओ भाई साहब गाइस बहुत मस्त लग रही है यार। फिलहाल मैं इसको बहुत स्लो ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मुझे अभी इसको कहीं ठोकनी नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आपको इसका क्लोज व्यू दिखाऊँ एक बार, और जो इसकी स्क्रीन दिखाऊँ तो गाइस ये देखो, ये पूरा डिजिटल है, ये देख रहे हो, इसमें पूरा मीटर वीटर चल रहा है सही, है ना। तो ये वाली लुक सबसे डेंजरस लगी गाइस मेरे को, तो मेरे को सबसे खतरनाक लगी वाली लुक। ओ भाई साहब, तो ये बहुत अच्छी लगी। तो गाइज आपको बाइक कैसी लगी नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। ओ भाई हट जा भाई, आज मैं पहली बार रुक रहा हूँ अपनी रेड लाइट पे, वरना मैं रुकता नहीं हूँ बिल्कुल भी। हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ, फ्रैंकलिन आ रहा है। ओ क्या लुक है यार बाइक का। तो गाइज ये बहुत अच्छा पिकअप है इसका यार, कुछ भी कहो आप, बहुत अच्छा पिकअप है। तो आप देख रहे हो कि 150 की स्पीड तो दो दो सेकंड में पकड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस बाइक के लिए। तो इसका पिकअप के मामले में तो मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता कि बहुत अच्छी बाइक है। तो देखते हैं इसके बारे में हम आगे। तो गाइज़ मुझे नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इस बाइक के साथ मैं किस टाइप की वीडियो लाऊँ, तो कोई मेगा रैंप या कहीं से इसको जंप करवानी है कुछ भी, मतलब जो भी आपके माइंड में मेरे को बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि आगे आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए इस बाइक के साथ, या फिर मतलब और भी अदर अदर टाइप की वीडियो। तो गाइज फिलहाल मैं इस वीडियो को इतने रखते हैं, और क्योंकि गाइज वीडियो ज़्यादा लंबी सही नहीं रहेगी। और गाइज आपको पता है कि ये फ्रैंकलिन के लिस्ट में एक और बाइक ऐड हो चुकी है, तो फिलहाल के लिए वीडियो इतने रखते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। तो गाइज मैं आपको मिलता रहूँगा ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा। तो गाइज ये बाइक कैसी लगी नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। ओके गाइज बाय बाय टाटा।